आइए शुरू करते हैं। प्रश्नावली 14.3 निम्नलिखित विभाजन कीजिए। विभाजन का मतलब होता है भाग देना। अब ये यहाँ पर व्यंजकों का भाग दिया जाता है, वहां पर हम लोग साधारण अंकों का भाग सीख चुके हैं। ज्यादा अंतर कुछ नहीं है, बस यही जैसे भाग देते हैं अंकों का, वैसे यह है बीजी व्यंजकों का भी। तो पहले हम क्या करेंगे, ये जो 28 है इसको जो है हम पहले तोड़ लेंगे, और इसी तरह इसको भी तोड़ लेंगे, और फिर इसको अलग तोड़ के और सीधे सीधे भाग देने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे लिख लीजिए, पहले 28 x घाते 4 और भाग का चिन्ह जहाँ लगा है वहां पर लग दीजिए 56 और x। अब अगले स्टेप में क्या करना है कि इस 28 को पहले गुणनखंड कर दीजिए। तो 2 × 4 = 28, चाहे उधर आप किनारे कर लीजिए, फिर ये अभाज्य गुणनखंड निकालने का तरीका तो जैसे ये रहता है ना। तो 2 × 1 = 2 और 2 × 4 = 8, 2 × 7 = 14 और 7 × 1 = 7, ये इस तरह करके निकाल लेना है आपको। और अगर आपकी प्रैक्टिस हो जाए तो फिर आप ऐसे ही इस्तेमाल कर लीजिए, फिर इसकी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर कहीं अटक रहे हैं, ज्यादा बड़ी संख्या है, तो फिर आप इसको ऐसे निकालेंगे। फिर x कितने हैं, x की घाते 4, तो इसका मतलब हमको x 4 बार लिख लेने हैं। और क्या करने हैं, 56 को लिखेंगे, 2 × 4 × 8 और 7 × 56, यानी कि ये जो है 1, 2 और इसमें आ जाएगा, 2 × 4 × 8, 8 × 7 = 56, ठीक है। और 1 x है। अब जो इसमें ध्यान रखना है, जो भी कॉमन है, कॉमन मतलब दोनों में उभयनिष्ठ है, जैसे इधर 2 है तो इधर से 2 काट दीजिए, 1, 2 इसमें है, 1, 2 इसमें हटा दीजिए, 1, 7 इसमें दिख रहा है, 1, 7 इसमें भी दिख रहा है, 1 x 1 x। अब जो भी बचता है उसको उतार लेना है। तो क्या बच रहा है, इधर से, इधर से ऊपर से 1, 2, 3, तो यहाँ पर x × x × x और नीचे बच रहा है 2। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि x की घाते 3/2, चाहे तो ऐसा लिखिए 1/2, और x की घाते 3 ऐसा भी लिख सकते हैं। तो इस तरह हम आगे बढ़ते चलेंगे। अब ये दूसरा लेते हैं, 36y³/3, भाग देना है 9y²। तरीका वही है, ऋण चिन्ह पहले बाहर निकाल लीजिए या ऋण 1 कर लिया करिए तो बहुत आसान हो जाता है। इससे क्या होता है, इसमें ये सारी संख्या धनात्मक हो जाती है। अब इसको कर लीजिए, तो 2 × 4 = 12 × 36, ये हो जाएगा। वाई में क्या आ जाता है, 1y, ये दूसरा वाई, ये तीसरा वाई, वाई घाते 3, और नीचे क्या आ जाएगा, 9, 9 बन जाएगा, पहला 3 और दूसरा 3, और ये पहला वाई और ये दूसरा वाई, वाई की घाते 2 से कन्वर्ट हो गए। अब देखिए क्या हो जाएगा, 1, 3 इधर से, 1, 3 इधर से, 1, 3 इसमें, 1, 3 इसमें, 1y, ये वाई इस वाई से, इस वाई। अब बचा क्या क्या, बचा जो है ये ऋण 1 बचा है, और इधर 2 बचा है, इधर 2 बचा है, इधर 1y बचा है, नीचे तो कुछ नहीं बचा। तो जैसे ही ऋण बनाया था आपने अलग निकाल के, वैसे ही ऋण का चिन्ह फिर से लगा दीजिए, 2 × 4 और ये वाई बन जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तीसरा लेते हैं, 66 π³² r³ में भाग देना है 11 q और r² की। तो शुरू करते हैं, 66 को बना दीजिए, 2 × 2 = 6 और 11 × 6 = 66, ठीक है। इसको लिख लीजिए P, तो ये बन जाएगा π³² में, यानी पहला q और ये दूसरा q, और r की घाते 3 में बन जाएगा, पहला r, दूसरा r और तीसरा r। इसमें भाग लेना है किसका, 11 का, तो 11 तो टूटता नहीं, स्वयं अभाज्य संख्या है, और ये पहला q और ये पहला r, दूसरा r, ऊपर नीचे 11 है, ऊपर 11 ये कट गया है,
पहला क्यू से एक पहला क्यू कट गया, पहले आर से पहला आर, एक दूसरे आर से दूसरा आर। अब बचता क्या क्या है? बचता है दो तीन पी क्यू आर, दो इधर बचा, तीन इधर बचा, पी इधर बचा, क्यू और इधर बचा आर। इसका मतलब आंसर जो निकल आएगा वो आ जाएगा दो तेई छ पी क्यू और आर, ये हमारा आंसर होगा। अब इसी का चौथा प्रश्न लेते हैं। 34x की घाते 3, y की घाते 3, z की घाते 3 में भाग देना है इनकमन x, y की घाते 2 और z की घाते 3। तरीका वही, इसको पहले ऊपर लिख लीजिए, ये हो गया 34x की घाते 3, y की घाते 3, z की घाते 3 और नीचे आ जाएगा इनकमन x, y की घाते 2 और z की घाते 3। फिर इसको तोड़ दीजिए यानी गुणनखंड करा दीजिए, तो दो से 17 दूनी 34, दो 17 दूनी 34, ये 17 अभाज्य संख्या, ये नहीं कटेगा। अब ये बन जाएगा पहला x, दूसरा x, तीसरा x और इधर y की घात में पहला y, दूसरा y, तीसरा y और ये पहला z, ये दूसरा जेड और ये तीसरा जेड। इधर देखेंगे तो 3 17 34 17 51 17 बार गया और ये पहला एक्स, ये पहला वाई, दूसरा वाई और पहला जेड, दूसरा जेड और तीसरा जेड। इधर 17 है, इधर 17 है, इधर एक्स, इधर एक्स, एक वाई इसमें, एक वाई इसमें, एक वाई इसमें, एक वाई इसमें, पहला जेड, दूसरा जेड, तीसरा जेड, दूसरा जेड और ये तीसरा। अब बचा क्या? इधर बचता है दो और नीचे कुछ बचता नहीं और इधर जो बचता है उतार दे, तो इधर बचा है दो, इधर बचा है तीन और ऊपर जो बचता है, जैसे देखना शुरू करिए, पहला एक्स, दूसरा एक्स, तो ये रहा पहला एक्स, दूसरा एक्स और पहला वाई और ये वाई। इसका मतलब ये हो गया कि इधर बचा है 2/3 एक्स स्क्वायर और ये वाई, ये हमारा फाइनल आंसर। ये पांचवा लेते हैं। 12 a^8 b^8 में भाग देना है 6 a^6 b^4। चल शुरू करते हैं, तो ये हो जाएगा 12 a^8 और b^8 में भाग देना है 6 a^6 और b^4। इधर शुरू करेंगे 12 को, तो 12 में आ जाएगा 2 6 2 12, 2 2 4 3 12, ऐसे लिख ली, 2 2 4 3 12 और a^8 एक, ये दो, ये तीन, ये चार, ये पांच, ये छः, ये सात और ये आठ और b भी 8 है, तो ये गुणे पहला b, दूसरा b, तीसरा b, चौथा b, पांचवा, ये छठवा, ये सातवा और ये आठवा। इधर देखिए 6, तो 2 3 6, ये पहला a, दूसरा a, तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठवा, ये पहला b, ये दूसरा b, ये तीसरा b और ये चौथा b। तो 2 से 2, इस 3 से ये 3, 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6 ही निकल गए। इधर 4 शुरू है, 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 ही निकल गए। अब बचा क्या है? ऊपर बच रहा है इधर से 1, तो 2 बचा और इधर से बी, एक ए इधर, एक इधर और बी बचते हैं 4, तो पहला ए, दूसरा ए, पहला बी, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा बी। नीचे कुछ बचा क्या है? नीचे कुछ है ही नहीं, है ही नहीं, तो फिर ये एक बचा। इसका मतलब ये हो गया कि 2
एक ही घाते दो है, एक दो तीन चार, तो बी की घाते चार। इस तरह ये हमारा विभाजन होता है। लेते हैं दूसरा प्रश्न। अब दिए हुए बहुपद को दिए हुए एक पदी से भाग दीजिए। ये एक बहुपद है और यह है एक पदी, इसमें भाग देना है। तो अब हम क्या करेंगे, पहले अलग अलग हम गुणनखंड करते थे, अब यहाँ पर कॉमन या उभयनिष्ठ निकालने की प्रक्रिया का इस्तेमाल करेंगे। मतलब दोनों में से जो कुछ बहुपदों में से जो कुछ भी उभयनिष्ठ है या कॉमन है, पहले उसको हम बाहर कर लेंगे और यही हाल इधर से देखेंगे। फिर उसके बाद जो कटता है उसको काट देंगे और जो बचता है वो हमारा फाइनल आंसर हो जवाब होगा। तो इसमें से देखिए, पहले तो ये लिख लीजिए 5x² - 6x, तो ये ऊपर वाला हो गया, और नीचे है 3x, ये हमारा लिखने का साधारण तरीका हुआ। अब इसमें से देखिए, कुछ दोनों में से कुछ कॉमन नजर आ रहा है क्या, ये जिसको हम उभयनिष्ठ बोलते हैं। उभयनिष्ठ इसमें x² है और इधर x है, तीन दोनों में x तो एक है, तो एक x हम बाहर निकाल लेते हैं। फिर अंदर क्या बचेगा, इस वाले में से 5 बचेगा और एक x अभी भी बचा हुआ है, और इसमें से केवल अंक 6 बचेगा, क्योंकि ये दोनों सह अभाज्य संख्याएं हैं, इसलिए जो है ये आप अब नहीं कटेंगे, क्योंकि एक से एक सम एक विषम होती है तो लगभग वो सह अभाज्य संख्या बन जाती है। तो ये जो अब कटने से रहा, तो ये बन जाएगा इधर 3 है और इधर x। अब देखेंगे ऊपर नीचे कुछ उभयनिष्ठ दिख रहा है, तो एक्स एक्स दिख रहा है, इन दोनों से हटा देंगे। अब क्या बचेगा, यहाँ 3 बचता है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/3, और ऊपर बन सकता है, बन जाएगा 5x - 6 भी, बस यही इसका जो है भागफल हुआ। लेते हैं दूसरा। अब ये प्रश्न ले रहे हैं, जैसे 3y·8 - 4y·6 5y·4 में भाग देना है, y·4 का, ये हमारा बहुपद है और ये हमारा एक पद है। तो बहुपद को पहले ऊपर लिख लीजिए, तो ये बन जाएगा 3y·8 - 4y·6 और 5y·4, और नीचे वाले पे आ जाएगा भाग में y·4, ये हमारा साधारण तरीका हुआ। अब उभयनिष्ठ निकाल लीजिए, जिसको बोलते हैं हम कॉमन उभयनिष्ठ, देखते हैं क्या हो सकता है ऊपर। तो y·8 यहाँ 6 ये 4, यानी कम से कम y·4 तो निकल सकता है, यहाँ पर 3, 4, 5 ये अंक तो एक भी नहीं निकलेंगे। तो हम y·4 बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, तो बचेगा क्या, तो यहाँ अंक यानी कि गुणांक इसका 3 है, y·4 निकल गया, तो अभी भी इसमें y·4 बचेंगे, क्यों, 8 में से 4 गया, अभी भी 4 बचेंगे। इधर से 4, इसमें से 6 में से 4 निकल गए, तो अभी भी y·2 बचेंगे, और y·4 पूरा निकल गया, तो अब केवल 5 बचा है। और इधर देखेंगे y·4, इस 4 से ये वाला y·4 कट गया, अब जो बचा है उतार दीजिए। तो इधर बचेगा 3y·4 - 4y·2 और ये रहा धन का 5, ये हमारा गुणनखंड निकला है, मतलब भागफल निकला है। तीसरा है 8 × x·3 y·2 / 2 (x²)² + 2 (x²)² + 2 और (z²)² ये बहुपद है, इसमें भाग देना है 4x²y²z² का। सबसे पहले जो सामान्य तरीका होता है इसको इस तरीके से लिख लीजिए, तो 8 × x²y·2 / 2 (x²)² + 2 (x²)² + 2 (z²)³ और इसमें से भाग दे देना है 4, इधर x² और y² और z² का भाग दे देना है। अब कुछ कॉमन निकालिए, 8 तो पहले से है, तो इसको 2×4 में बदल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। इसमें से कुछ निकाल लीजिए, तो देखिए x²y²z² तो क्या स्क्वायर के रूप में है, हाँ लगभग लगभग सब में स्क्वायर है, तो हम x²y² और z² को बाहर निकाल लेते हैं। तो इसमें से केवल एक x बच रहा है,
इसमें से एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर निकल गया तो इसमें से के बाद एक वाई बचा, और इधर वाले से पूरा निकल गया तो एक जेड बचा है अभी, और नीचे क्या बच रहा है चार, और इधर से एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर, तो ये पूरा का पूरा और ये पूरा का पूरा ये कैंसिल हो गया, इधर ये चार है इधर भी चार है, अब ऊपर बच गया है दो और उधर बच गया है एक्स धन वाई धन जेड, नीचे तो कुछ बचा नहीं, नीचे कुछ बचा नहीं, तो बस यही हमारा भागफल हो जाएगा। दिए हुए बहुपद को एक दिए हुए एक पद से, तो इधर बहुपद जो है x की घाते तीन धन दो एक्स स्क्वायर धन तीन एक्स में एक पद दो एक्स से भाग दीजिए, बस तरीका वही है, इसको सामान्य अवस्था में लिख लीजिए x की घाते तीन धन दो एक्स स्क्वायर धन तीन एक्स, ये इधर हो जाएगा और भाग देंगे दो एक्स से, कुछ कॉमन निकलता है उसमें से निकालने के करिए कोशिश करिए, भाई जो भी मिलता है इसमें मिल रहा है केवल x, तो इधर से x निकालेंगे तो अंदर बचेगा एक ही x निकल गया, तो यहाँ पर x घाते दो अभी भी बचा हुआ है, धन दो एक x निकल गया तो अभी भी एक x बचा है, इसमें से एक x निकल गया तो अभी भी तीन बचा हुआ है, इधर नीचे दो और एक x बचा है, एक x से एक x चला गया तो अभी नीचे बच रहा है हमारा दो, तो हम इसको एक बटे दो लिख सकते हैं, और इधर से लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर धन दो एक्स और धन तीन के रूप में, ये हमारा गुणनफल भागफल होता है। इस प्रश्न को देखिए, p की घाते तीन q की घाते छह ऋण p की घाते छह q की घाते तीन में भाग देना है, p की घाते तीन और q की घाते तीन, बस सामान्य तरीका लीजिए, पहले इसको लिख दीजिए, तो ये है p की घाते तीन q की घाते छः और p की घाते छः q की घाते तीन में भाग देना है हमें p की घाते तीन और q की घाते तीन, ये है हमारा सामान्य तरीका लिखने का। अब कुछ उभयनिष्ठ जो है वो बाहर निकाल लेते हैं, अर्थात कॉमन बाहर निकाल लेते हैं, तो देखिए p q दोनों में है, p q दोनों तो है ही, अब इसमें देखेंगे घात कितनी निकल रही है, तो तीन तीन दोनों में से मिल ही रहा है, तो यहाँ पी की घाते तीन और क्यू की घाते तीन कर दीजिए, तो इधर अभी भी क्यू में जो है तीन बच रहे हैं और इधर पी में भी तीन बच रहा है, यानी घात में तीन बच रहा है, और ये आ जाएगा पी की घाते तीन और क्यू की घाते तीन, ये दोनों ऊपर नीचे तो कैंसिल हो जाते हैं, इधर बच रहा है क्यू की घाते तीन और इधर बच रहा है पी की घाते तीन, यही तो हमारा उभयनिष्ठ या भागफल है। अब तीसरा प्रश्न ये कह रहा है, निम्नलिखित विभाजन कीजिए, तो ये पहला पद दिया हुआ है बहुपद 10x ऋण 25 में से केवल 5 का भाग देना है, तो तरीका वही है इसको लिखने का कि 10x ऋण 25 को पहले ऊपर ले लीजिए अंश में और हर में लिख लीजिए 5, अब इसमें देखिए कुछ कॉमन निकल रहा है क्या, देखिए 5 दूनी 10 5 25 25 होता है, तो इन दोनों में से हम क्या निकाल सकते हैं, 5 बाहर निकाल लेंगे तो इसमें से क्या बचेगा 2 और x, और इसमें से निकाल लेंगे 5 25 25 अर्थात 5 बाहर आ जाएगा, और ये इस 5 का इस 5 से भाग दे दीजिए तो केवल बच जाता है 2x और इधर केवल 5 बच जाता है, यही हमारा भागफल है। निम्नलिखित विभाजन कीजिए, इसमें ये जो दिया हुआ है ये एक बहुपद दिया हुआ है, यहाँ 10x ऋण 25 में से भाग दे देना है दूसरे बहुपद यानी 2x ऋण 25 से, तो ये दोनों बहुपद है, बहुपद का बहुपद से भाग देना है यहाँ पर, तो तरीका वही है 10x ऋण 25 लिख लिया और नीचे लिख लिया 2x ऋण 5, अब आगे चलेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा इन दोनों में से कुछ निकालिए, इन दोनों में से क्या निकल सकता है, 5 निकल रहा है तो इसको 5 बाहर निकाल लीजिए, तो 5 दूनी 10 2x बचा, 5 बचे 25 अर्थात 5 निकल आया, और 2x ऋण 5 पहले से है तो ये दोनों ऊपर नीचे एक जैसा दिख ही रहा है, तो इसको हटा दीजिए, बचता क्या है केवल 5, तो यही इसका भागफल हुआ। अब ये तीसरा प्रश्न है, 10y में
मल्टीप्लाइड बाई ये गुणा है कोष्टक 6 बाई धन 21 में भाग देना है 5 कोष्टक 2 बाई धन 7 का। चलिए तरीका वही है, 10 वाई में से गुणा हुआ है यानी कि कोष्टक में 6 वाई धन 21 ये गुणनफल गुणा कहलाता है, ठीक है, कोष्टक का मतलब होता है गुणा। ऊपर लिख लिया और नीचे वाले में है 5 और 2 वाई में से 7 जुड़ा हुआ है। फिर क्या करना है अगली लाइन में, इसमें से कुछ और निकलता है तो निकाल लीजिए, 10y तो पहले से है, इसमें से और क्या निकल रहा है, इसमें से 3 × 6 = 21, इसका मतलब है अभी भी इसमें से 3 बाहर निकल रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 × 6 यानी 2y और 3 × 21 अर्थात 7, ये अभी इतना बच गया इधर। और नीचे क्या है, 5 और 2y धन 7 अभी भी इनका बरकरार है, तो 10 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 5 में एक बदल दीजिए तो और आसानी हो जाएगी, तो इस 5 से ये 5 चला गया और 2y धन 7 से इधर ऊपर वाला नीचे वाला कट गया, तो इधर बच रहा है 2 और ये y और इधर 3, इसका मतलब ये हो गया कि 3 × 6 और ये y बचा, ये हमारा सॉल्यूशन हुआ। अब ये चौथा देखते हैं, तो 9x² × 3z − 24 में भाग देना है 27xy और z − 8 का, तो इसको पहले इसको ऊपर लिख लीजिए, 9x² y² और ये है यहाँ 3z − 24 में से भाग देना है हमें 27xy और z − 8 का, ये भाग दे देना है। अब इसमें से देखिए कुछ उभयनिष्ठ निकाल लीजिए, 9 तो साफ साफ है xy इधर है, तो 9 को बदल दीजिए x × y और x × y में बदल लीजिए, तो चाहे तो ये भी ठीक है। इन दोनों में से क्या निकाल लीजिए, 3 दोनों में कॉमन लग रहा है तो अभी भी 3 निकाल लीजिए, तो इधर बच रहा है 3 × 3 = 24, इधर 27 को क्योंकि 3 और 9 में है चाहे तो एक साथ लीजिए, तो 3 और 9 में तोड़ दीजिए, इधर एक x और एक y और ये z − 8 थे पहले से, ये दोनों तो आपस में कैंसिल हो गया, इधर से 3 ये 9 ये x, एक x एक y एक y, ये y था। अब इसमें बचा एक x और इधर एक y, अर्थात ये बन गया x और y, यही सॉल्यूशन। ये लेते हैं 96abc × 3a√12 × 5b√30 में भाग देना है 144a√4 और b√6 का, तो लिखने का सामान्य तरीका वही है, 96abc × 3a√12 × 5b√30 में भाग देना है 144 और a√4 और b√6 का। तो शुरू करते हैं, कॉमन निकालना सामान्य तरीके से कुछ तोड़ लेते हैं जैसे गुणा भाग करने में आसानी रही या तो फिर अलग से काटना पड़ेगा, तो होता है 12 8 96 96 को 12 और 8 में तोड़ देते हैं। इधर देखिए abc है तो abc को एक साथ लिख लिया, अभी इन दोनों में से कुछ निकाल लीजिए, इन दोनों में से निकल रहा है 3 × 12 अर्थात 3 निकल रहा है, तो a√12 3 × 12 a√4, इन दोनों में से क्या निकल रहा है, इन दोनों में से निकल रहा है 5 × 6 = 30 अर्थात 5 निकल रहा है, तो b√6। इधर से 12 12 144 होता अगर आपको वर्ग ध्यान हो तो, वर्ग पहाड़ा, और इधर से दिख रहा है a√4 और इधर से b√6। अब देखिए कॉमन कॉमन क्या नजर आ रहा है, इधर से 12 नजर आ रहा है, ये 12 चल रहा है गया, और 3 × 1 ये ऐसे कर लीजिए, 3 × 1 = 3 3 × 4 = 12
और चार एकम चार, चार दूनी आठ, ए ऋण चार, ए ऋण चार, बी ऋण छह, बी ऋण छह। अब देखिए बचा क्या क्या ऊपर, इधर से दो बच रहा है ए बी सी और इधर से पांच बच रहा है, अर्थात अंकों को पहले लिख लीजिए और ए बी सी और कुछ बच रहा है क्या, इधर खाली दो इधर से पांच, तो बस। अब जब कुछ बचा नहीं तो दर से ए बी सी जो बचा है उसी को हम उतार लेते हैं, यही हमारा भागफल होता है।